हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं हम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यहाँ पे करेंगे। और बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं भाई, इसमें हमें सॉल्यूशंस निकालने हैं, ठीक है, हल निकालने हैं। और हमारे पास अब जो मेथड है जो हम सीखने वाले हैं भाई, एलजेब्रिक, ठीक है, एलजेब्रिक मेथड्स, ठीक है। तो एलजेब्रिक जो मेथड है वो आपके पास तीन मेथड है। जो सबसे पहला मेथड आता है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये समझना है, ये यहाँ का इनमें एलजेब्रिक मेथड का एक मेथड है, एक तरीका है जिसमें हम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं भाई। किसको सॉल्व करेंगे? कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, मतलब दो लीनियर इक्वेशंस हैं, उसमें आपको वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, उनका मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, जैसा नाम से आपको पता लग रहा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब किसी चीज की जगह पे कोई दूसरी चीज प्लेस करके वैल्यू निकालना, ठीक है, यही हो सकता है सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए, जैसे यहां पे मैं आपको लिखता हूं, तो मान लीजिए ये दो इक्वेशन है आपके पास, ठीक है, क्या है ये? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो इसको आपको हल करना है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे हुई? देखिए, एक्स और वाई दोनों इक्वेशन में दो वेरिएबल है हमारे पास, क्या है? एक्स और वाई सेम वेरिएबल्स हैं, और यहां से हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ये इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो अभी तक हमने ग्राफिकल मेथड से सीखा है कि ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं, कि भाई पहले आप इक्वेशन बनाते थे, कोई आपको वर्ड प्रॉब्लम दी रहती है तो उससे इक्वेशन बनाते थे, फिर उसको सॉल्व करके, और फिर क्या करते थे आप, फिर उसमें जो ग्राफ में आप ड्रॉ करते थे वो लाइंस, और लाइंस ड्रॉ करके फिर आप वैल्यूज फाइंड आउट करते थे। जहां पे मान लीजिए दो लाइन इंटरसेक्ट करती थी, तो जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती थी भाई, वही पॉइंट पे उसका सॉल्यूशन मिल जाता था आपको, कुछ इस तरह से करते थे। तो बच्चों, अब देखिए, अब जो हम करेंगे वो ग्राफिकल मेथड अलग हो गया, अब हम एल्जेब्रिक मेथड यूज करेंगे। और एल्जेब्रिक मेथड में भी सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम सब क्या करते हैं कि सबसे पहले कोई भी एक इक्वेशन ले लेंगे हम, ठीक है, इक्वेशन टू ले लीजिए, जैसे तो x इज इक्वल टू 3 - 2y। क्या कर दिया हमने? हमने x की वैल्यू निकाल ली, यहां से जो दूसरी इक्वेशन थी उससे x की वैल्यू निकाल ली। क्या है भाई? सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो यहां पे हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर निकाल ली, यहां से हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू किस में से निकाली हमने? समीकरण दो से निकाली है, ठीक है। अब क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन वन। भाई यहां पे x की वैल्यू पहली समीकरण में रख दीजिए आप। क्या करना है, x की वैल्यू जो निकाली है दूसरे समीकरण से निकाली है, और इसको पहले समीकरण में हम रख के देखते हैं क्या आता है। चलिए, x की जगह रख दिया 3 - 2y, 3 - 2y x की जगह रख दिया, और -15y इज इक्वल टू 2, ये आ गया। तो ये पूरा y की टर्म्स में है, यहां से y का मान आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा देखिए, -2y और -15 कितना हो जाएगा, -17y इज इक्वल टू 2 - 3। भाई तीन राइट हैंड साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, -17y इज इक्वल टू -1। तो y कितना आ गया, -1/-17, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 1/17 आ गया। y की वैल्यू हमारे पास आ गई है, यहाँ पे कितनी आई है, y की वैल्यू 1/17 आई है। इसकी हेल्प से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे,
एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो ये वाई की वैल्यू है, वाई का मान जो है, इसको इक्वेशन वन या टू किसी में भी रख दीजिए, आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हम सॉल्यूशन निकालते हैं। यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बताता हूँ। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद देखिए y की वैल्यू हमारे पास आ गई है ना, y की वैल्यू आ गई है हमारे पास, फिर हम क्या करेंगे, पुट तो वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन टू, दूसरी इक्वेशन में y की वैल्यू रख देंगे तो क्या आएगा, x प्लस टू, y की जगह 1/17 है इज इक्वल टू 3, एक्स प्लस 2/17 इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू 3 - 2/17, एक्स इज इक्वल टू भाई 17 अगर हम एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा, 51 - 2 कितना हो गया, ये एक्स इज इक्वल टू 49/17। तो हमारे पास देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई, 49/17, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 1/17। ये आपके आंसर्स होंगे, है कि नहीं, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन लिखिए। अब देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं, कैसे आएंगे, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहां पे आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, दैट मीन्स एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है विद हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। जल्दी से इसको सॉल्व करके आंसर बताएंगे आप। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करेंगे हम स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्या करना है भाई, कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए, ठीक है, इसको पहली इक्वेशन मान लेंगे हम, इसकी इक्वेशन टू मान लेंगे, दो समीकरण ले लेंगे, समीकरण एक समीकरण दो। अब हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन टू या फिर इक्वेशन वन, कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, जैसे मैं लेता हूं फ्रॉम इक्वेशन टू, इक्वेशन टू से मैं क्या कर सकता हूं, एक्स इज इक्वल टू 4 + y, क्या ये कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू 4 + y, एक्स की वैल्यू रखती मैंने क्या किया, देखिए समीकरण दो में जो y है इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन प्लस का हो जाएगा y,
प्लस में आ जाएगा तो 4 प्लस y हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद ये इक्वेशन आ गई, इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 3, समीकरण 3 हो गया। अब हमारे पास जो x की वैल्यू आई है उसको हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। भाई समीकरण 1 में x का मान रख के देखिए आप क्या आता है। समीकरण 1 में अगर रखेंगे x की जगह 4 प्लस y रख दीजिए, प्लस y है ऑलरेडी इज इक्वल टू 14 है। यही है भाई, मैंने क्या किया है, ये जो x है इसकी जगह 4 प्लस y रख दिया है, ये रख दिया है। अब क्या करना है, अब सॉल्व करना है इसको। तो 4 प्लस y प्लस y कितना होगा, 2y। 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14। 2y इज इक्वल टू कितना आ गया, 14 माइनस 4, 4 उस तरफ जाके राइट हैंड साइड जाके माइनस का 4 हो जाएगा। अब 2y किसके बराबर आएगा, 10 के बराबर, 14 माइनस 4 10 होता है। और y किसके बराबर आएगा, y आ जाएगा 10/2। कैंसल आउट कीजिए, कितना आ गया ये, y इज इक्वल टू 5। अभी तो y 5 आया है, x की वैल्यू भी निकालेंगे हम। तो क्या करना है, जो ये y है इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए इक्वेशन 3 में, करके देखिए। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में अगर y की वैल्यू रखेंगे क्या आएगा, x प्लस 4 x इक्वल्स टू 4 प्लस y की जगह क्या रखेंगे, 5, तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो x कितना आ गया, 9 आ गया। अब देखिए हमारे पास दोनों की वैल्यू आ गई, x की 9 है और y की 5 है। सॉल्व कर दिया हमने, सॉल्यूशन आ गया है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अगला सवाल करेंगे अब, इसका अगला पार्ट। बच्चों ये है आपके इक्वेशन, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन वैसे ही है, बस फर्क क्या है, यहाँ पे आपको जो वैल्यूज है डेसिमल में दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं, आप डेसिमल में ही सॉल्व कीजिए, आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, भाई आपके पास दो समीकरण है कि नहीं, तो आप ये कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन 1 से हमें क्या मिलता है, 0.2x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y। और ये जो 0.2 है इसको मैं राइट हैंड साइड लेके जाता हूं तो ये हो जाएगा 0.2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये हो गई आपकी इक्वेशन 3। तो एक्स की वैल्यू हमें मिल गई है यहां से। अब क्या करना है, पुट वही वैल्यू रखनी है, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में एक्स की वैल्यू रखिए, चलो तो 0.4 इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2y, 0.2 प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा, 2 पे जाएगा,
दो से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2.6 माइनस 0.6 प्लस 0.5y, और ये 0.6y इज इक्वल टू 2.3। आगे इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, देखिए माइनस 0.6y और प्लस 0.5y कितना आ गया, 0.1y आ जाएगा, वो भी माइनस का। तो 2.6 माइनस 0.1y इज इक्वल टू 2.3। अब माइनस 0.1y को इधर रखेंगे, लेकिन 2.6 को हम राइट हैंड साइड सेंड कर देंगे, तो ये 2.3 माइनस 2.6 आ गया, कितना आ गया माइनस 0.1y इज इक्वल टू 0.3, और y कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। तो y की वैल्यू आपके पास 3 आ गई, ठीक है। अब y की वैल्यू रखेंगे आप इक्वेशन 3 में, पुट y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में अगर y की वैल्यू रखेंगे तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 1.3 माइनस 0.3, y का 3 आ गया बटे 0.2। इसको सॉल्व कर लीजिए, 1.3 माइनस 0.9 बाय 0.2, ठीक है। इसको सॉल्व करिए क्या आता है आंसर, और फिर आप इसको माइनस करेंगे, है ना, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.3 माइनस 0.9, तो ये कितना आ गया, 13 माइनस 9 कितना आ जाता है, 4 आ जाता है, तो 0.4 यहाँ पे आ जाएगा, इसकी जगह कितना आ जाएगा 0.4, 0.4 बाय 0.2, और ये आ गया 2, कैंसिल आउट करके 2 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई। हमारे पास x आ गया, y आ गया, दोनों आ गए, है ना। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, भले ही डेसिमल में हो फ्रैक्शन में हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो बच्चों जो आपके क्वेश्चंस हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, उसको आपको प्रैक्टिस करना है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपकी बुक में, भाई आप एक एक करके सब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई डाउट होता है तो सेशन में आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।